आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी उतनी अच्छी होगी। ठीक है गाइज, हम लोग ग्रिगनार्ड रीजन की सीरीज में लगातार बात कर रहे हैं। पिछले तीन क्लासेस से तीन लेक्चर ग्रिगनार्ड रीजन में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज लास्ट लेक्चर फाइनली है जिसमें हम लोग ग्रिगनार्ड रीजन को शुरुआत के आधे घंटे में खत्म कर लेंगे। उसके बाद बचे हुए समय में हम ग्रिगनार्ड रीजन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ चीजों को, पूरी मिला के पूरी बातों को समझ पाओ कि क्या एक्चुअली ओवर आर ग्रिगनार्ड रीजन में हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग लास्ट क्लास में ग्रिगनार्ड रिएक्शन की डेरिवेटिव या उससे थोड़े से हट के अलग रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें 10 रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो तीन चार रिएक्शन और हैं, उसको खत्म कर लेते हैं, पहले फिनिश कर लेते हैं, फिर वेरियस टाइप ऑफ के क्वेश्चन भी आज की क्लास में थोड़ा सा देखेंगे क्या एक्चुअली होता है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर से वही बात, आज की क्लास देखने से पहले आपके पुराने तीनों लेक्चर देखे होने चाहिए, तभी मजा ले पाएंगे आप। मजा समझ रहे हैं? अगर आप मजा लेना चाहते हैं तो तीनों क्लास देख के आज की क्लास देखें, अदरवाइज यू फील मेक ट्रबल समथिंग। थोड़ा सा आपको परेशानी होगी कि, और परेशानी होती समर ऑर्गेनिक में या परेशानी हुई मतलब फिर वही होता, मजा नहीं आता, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो 11 नंबर रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, रिएक्शन विद साइनोजन। रिएक्शन विद साइनोजन में अगर मैं बोलूं तो ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, इवेंचुअली अपने सिलेबस से रिलेटेड बहुत ज्यादा बातें हैं नहीं। साइनोजन जानते हैं, नाम सुना होगा, इसे सी एन होल ट्वाइस में लिखते हैं साइनोजन को। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिलहाल। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि साइनोजन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो सी एन फिर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यही तो साइनोजन है। अब साइनोजन की रिएक्शन अगर ग्रिगनार्ड रीजन से हो रहा है, ग्रिगनार्ड रीजन से यानी आर डैश एम जी एक्स से कर रहे हैं, और फिर से अभी थोड़ी सी लिमिटेड बातें करें, वन इक्वलेंट यहां पे यूज हो रहा है, तो सोचते हैं कि सिचुएशन में प्रोडक्ट क्या है। फाइन, तो अभी तक आप आराम से देखिए क्या होने वाला है। फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस और ये प्लस, और इसी प्लस माइनस की वजह से ये आर डैश इस पे अटैक करेगा। तो क्या आपके पास सिनेरियो बन के आएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पे सी आर डैश डबल बॉन्ड एन माइनस, ये आपके पास बन के आएगा। ठीक है, ये आपके पास कुछ बन के आएगा। अब होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये सिर्फ फिर से डिलोकलाइज करने का प्रयास करता हो, सी एन माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो लीव कर जाता, तो बनता है आर डैश सी एन बन जाता है, और यहाँ पे एम जी के साथ सी एन और एक्स जो निकल जाते हैं, यानी एल्किल नाइट्राइड या एल्किल साइनाइड बन जाता है। साइनाइड पढ़िए या नाइट्राइल पढ़िए, दोनों पढ़ा, साइनाइड जनरल तरीके से पढ़ते हैं और नाइट्राइल उसके आयुपैक के साथ जोड़ते पढ़ते हैं, तो ये बना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सी एन माइनस लीव कर गया तो उस केस में साइनाइड बन गया। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कुछ जनरल रिएक्शन इसमें लिखूँ एग्जाम्पल में, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सी एस थ्री सी एस टू एम जी बी आर की रिएक्शन किससे कराया गया, सी एन का होल ट्वाइस, इस तरह से लिखा हो और प्रोडक्ट आपसे पूछे। क्या पूछे आपसे कि भैया प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा बात बहुत इशू है, क्योंकि अब ग्रिगनार्ड रीजन फिक्स हो गया, अब ग्रिगनार्ड रीजन फिक्स हो गया तो इस केस में आप देख सकते हो सी एस थ्री सी एच टू एम जी बी आर, ये हमेशा माइनस प्लस जैसे ब्रेक होता था वैसे ब्रेक होगा, सी एन सी एन बॉन्ड ब्रेक हुआ यहां पे माइनस प्लस, इस प्लस पे इसने अप्रोच किया, एन डबल बॉन्ड सी सी एस टू सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन और ये माइनस। अब ये डिलोकलाइज करेगा यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे सी एन को निकलना पड़ेगा, तो सी एस थ्री सी एच टू सी एन और यहाँ पे सी एन माइनस लीव कर जाएगा। प्रोपेन नाइट्राइल पढ़ सकते हैं इसे, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट ये आएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो साइनोजन के साथ आप ध्यान रखिए इस तरह से रिएक्शन होती है, प्लीज नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। क्योंकि एल्किल नाइट्राइल बनता है इस केस में भी प्रोडक्ट, और आप
हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि जो एल्किल नाइट्राइल होता है, एल्किल साइनाइड होता है, ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करके फर्दर कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छी प्रिपरेशन है कीटोन की। तो दूसरा सिचुएशन इसमें ये हो सकता है कि आप एक्सिस में भी यूज कर सकते हो, मतलब कि अगर आप इस तरह से रिएक्शन किया जाए कुछ साइनोजन के साथ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यहाँ पे लिया जाए, बोल दिया जाए वो एक्सिस में ले लिया जाए, आर डैश एम जी एक्स जो है एक्सिस में ले लिया जाए, ठीक है। अब इस सिचुएशन में प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आप देखिए आर डैश का जो पहला सिनेरियो है बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे अब तक होता आया, माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड सी, सी यहाँ पे आर डैश डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स प्लस माइनस, ठीक है ये बनेगा। दूसरे सिचुएशन में ये डिलोकलाइज करेगा, यहाँ से ये निकलना पड़ेगा, तो आ जाएगा आर डैश सी एन, ऑब्वियसली एम जी इसके साथ चला जाएगा, फिलहाल इससे हमें मतलब नहीं, एम जी सी एन और ये एक्स, ठीक है। एल्किल नाइट्राइल बन जाएगा, एल्किल नाइट्राइल बन जाएगा। अब इसमें दिया है तो फिर से ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन करेगा, आर एम जी एक्स, और आपको पता है उसके बाद हाइड्रोलाइज की जरूरत पड़ती है, तो साइनाइड की रिएक्शन या नाइट्राइल की रिएक्शन फिर से माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे आर डैश सी आर डैश डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स प्लस माइनस। और आपको याद होगा इसके बाद मैं क्या करता था, सीधे सीधे इसको ब्रेक करता था, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे दो हाइड्रोजन देके इसको हाइड्रोलाइज कर देता था। मैंने मैकेनिज्म यहाँ पे बताया नहीं, साइनाइड की मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस मैं कार्बोनिल में बताऊंगा, ठीक क्या होता है मैं अभी आप, और वहां पर भी मैं शॉर्टकट पे ही मैं प्रेशराइज करूंगा आपको, इसी टर्म्स को याद रखें। तो यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, आर डैश ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, और साथ में ये बाकी एम जी के साथ NH2 एंड X, यानी इस केस में भी आपका क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। तो साइनोजन के साथ ये दूसरी टाइप की बातें हो सकती है जब ग्रिग्नार्ड एजेंट आपके क्या हो, एक्सिस में, ठीक है। प्लीज आप से नो करें, फिर बाकी बातें आगे करते हैं। अगली बात करते हैं इसी में, रिएक्शन विथ क्लोरोसाइनोजन। क्लोरोसाइनोजन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे Cl है एंड Cn है, ठीक है, इसी को क्लोरोसाइनोजन पढ़ते हैं, ठीक है। मेरी मैच ऑबियस, अगर आप बात करें आर डैश एम जी एक्स के साथ, फिर से अगर मैं थोड़ी सी लिमिटेशन लेके चलूं, वन इक्वलेंट यहाँ पे भी पहले ही दिया गया है, तो आप आराम से देखिए इस बार चॉइस तो कोई अभी भी नहीं है, क्या करेगा ये सी एन का बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस और ये प्लस, और ये आर माइनस क्या करेगा, इस प्लस पे अटैक करेगा, अटैक करेगा, क्या बनेगा जरा देखिएगा, सी एल सी यहाँ पे आर डैश डबल बॉन्ड एन माइनस, ठीक है, एम जी एक्स प्लस चाहते तो ये पढ़ा रहने दीजिए। अब ये जो माइनस है ये डिलोकलाइज करेगा और यहाँ पे Cl को भागना पड़ेगा क्योंकि और कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो क्या बनेगा R डैश सी एन और यहाँ पे एम जी के साथ Cl एंड X, ठीक है, फिर से वही बन गया आपका एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल, ठीक है, ऐसे आपको वही बन गया। अब आप देख रहे हैं दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि इसी को क्या ले लिया जाए, एक्सिस में ले लिया जाए, ठीक है, प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर वो भी बात देखते हैं। हाँ, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन वही हो सकती है कि उसको क्या ले लिया जाए, एक्सिस में ले लिया जाए, ठीक है। अब एक्सिस में ले लेके हैं कि आप चाहो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर से वही है कि भैया बहुत ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में मैं डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है, साइनोजन के रिएक्शन कभी नहीं आए हैं, पूरी इतिहास गवाह है कि साइनोजन या क्लोरोसाइनोजन पे कभी ग्रिग्नार्ड एजेंट का ज्यादा दिलचस्पी रहा हो, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, तो पहले केस में तो आपका यही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ाओगे तो फाइनली फिर से आर डैश एम जी एक्स के साथ देखोगे तो फिर से वही, यहाँ पे आर डैश, यहाँ पे आर डैश डबल बॉन्ड एन, ठीक है, एम जी एक्स प्लस, फाइनली अब इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे आप, यानी हाइड्रोलिसिस एच टू ओ के साथ, एच थ्री ओ प्लस के साथ, तो फिर से ये यहाँ से ब्रेक करना ऑक्सीजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो फिर से आपको फाइनली कीटोन ही मिलने वाला। ये बाकी सब एक्सटेंडेड बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कैसे हो रहा है,
इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, कीटों, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो साइनोजन और क्लोरोसाइनोजन की रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा दिल से मत लीजिएगा ये सारी बातों को। और आपको तुरंत आइडिया अब तक हो ही गया होगा कि जो इम्पोर्टेंट होता है उस पर मैं कितना जोर देता हूँ, कितना समय देता हूँ, समझ रहे हैं? तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। ओके, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, ग्रिग्नार्डीजन की एल्किल हैलाइड से क्या रिएक्शन है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई यहाँ आर है, एक्स है, कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड है, लेकिन ये एल्किल हैलाइड जो खास करिए 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तभी प्रोबेबली ये पॉसिबल है, ठीक है। अदरवाइज 3 डिग्री केस में रिएक्शन कुछ और होता है, ठीक है। जैसे कि अब इसके साथ क्या हो जाए, आर डैश एम जी एक्स हो जाए, और ये रिएक्शन ध्यान रखना SN2 होता है। अब SN2 मैंने लिख दिया तो ऑटोमेटिकली आर एक्स का जो नेचर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ ही गया होगा कि जितना छोटू हो उतना चलेगा। होता क्या है कि ये एल्किल हैलाइड अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डेल्टा प्लस, सॉरी यहाँ डेल्टा माइनस, हाइलोजन पे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस होता, और ये इस पे प्योर माइनस चार्ज होता है, ये आप जानते हो। तो ये इस पे बैक साइड अटैक करता है, तो ये आर डैश आर बना देता है और एम जी एक्स टू, यानी ये क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। तो ये बात ध्यान रखना, पहला सिचुएशन तो ये है। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई आर एक्स हो और वो क्या हो, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो, अब उस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड केस में यहाँ पे जो आर डैश है, ठीक है, आर डैश एम जी एक्स जो है, यहाँ पे तो ये न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे एज ए बेस रिएक्शन करता है, ठीक है, ये एज ए बेस रिएक्शन करता है और आपको एल्कीन बनाएगा, यहाँ पे आर डैश एच बनाएगा प्लस एल्कीन बनाएगा, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट आएगा। तो ध्यान रखना है कि बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, हर डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं बात कर चुका हूँ कि भैया आर माइनस जो है दो तरीके का व्यवहार करता है, या तो बेस होगा या तो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब 3 डिग्री के साथ वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा सब्स्टिट्यूशन देना जितना 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ होता है। तो 3 डिग्री के साथ ये एलिमिनेशन देगा, एलिमिनेशन के लिए ये बेस की तरह ट्रीट करेगा, इसका बीटा एच निकालेगा, तो एच ले गया तो भैया आर है, एच मिल जाएगा तो एल्केन बन जाएगा, यानी इस केस में एल्केन और एल्कीन दोनों बनते हैं, ध्यान रखिएगा, एल्केन और एल्कीन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन रहा, इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ उसमें बेहतरीन एग्जाम्पल। जैसे एक रिएक्शन मैंने लिखा, अब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बनाता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये आपका क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, और 1 डिग्री हैलाइड SN2 रिएक्शन देगा, तो आसानी से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इसी का ये रिवर्स भैया फिजिबल नहीं है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात है। रिएक्शन रिवर्स फिजिबल होने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि ये MgBr यहाँ पे है और आप हैलाइड ये ले लीजिए, ये हैलाइड ले लीजिए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में नो रिएक्शन रहेगा, नो रिएक्शन रहेगा। ऐसा क्यों? मैंने बोला था कि ये ब्रिज हेड कार्बो कैटायन या कार्बन आयन अनस्टेबल होता है, तो ब्रिज हेड पे ये सूटेबल नहीं होता अटैक करने में, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, SN2 रिएक्शन इस केस में नहीं होगा। सिमिलरली फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर मैं ले लूँ, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इस केस में भी कोई परेशानी होती नहीं है, MgBr, क्योंकि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता ही बनता। अच्छा, इसके साथ हाइड्रोजन ले लूँ, सपोज दैट यहाँ पे मैंने ब्रोमाइड ले लिया, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, देर सवेर हो ही जाएगा, इसमें कोई बात नहीं, हो सकती अच्छी यील्ड ना आए, लेकिन जो है प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब फिर से इसी का रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अब इस क्यों का जवाब शायद आपको बहुत बेहतर ढंग से पता हो, मतलब यहाँ पे MgBr अगर मैं लिख दूँ और यहाँ एरिल हैलाइड ले लूँ, तो फिर से आपको आइडिया लग रहा होगा। कारण यह है कि अब ये एरिल हैलाइड है, और एरिल हैलाइड आपको पता है कि जो रेजोनेंस है स्टेबलाइज होता है, पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसके बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ
रिएक्ट करते हैं, तो इस केस में भी ध्यान रखना नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, हर स्टेज पे आपको पता होनी चाहिए। तो कभी कभी डायरेक्ट होता है, कभी कभी इनडायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट बातें तो समझ में आती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट बातें होती है वो कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता, समझ रहे हैं आप। इनडायरेक्ट बातें क्या होती है, इसे आप नोट कीजिए, मैं एक दो क्वेश्चन में उस इनडायरेक्ट बातों को इंट्रोड्यूस करता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, सारी बातों को मिला के, सारी बातों को, नई बातें, पुरानी बातें, सारी बातें यहाँ पे यूज हो गई हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही आता। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, एक रिएक्शन सिक्वेंस दे दिया गया है जिसमें पी क्यू आर अननोन है, उन्हीं पी क्यू आर के बेस पे चार ऑप्शन लिखे गए हैं, सही ऑप्शन आपको कौन कौन से होंगे या कौन सा सही ऑप्शन होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भले आप ट्राई कर लें, अपना पूरा एफर्ट लगा लें, उसके बाद जब मैं सॉल्व करूँ ताकि तब आपको सही बात का पता लग जाए कि क्या एक्चुअली सही होने वाला, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ट्राई कर रहे होंगे इसे, ठीक है। भैया पुरानी बातें टच में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है, किसी दिन मैं बात केवल क्वेश्चन क्वेश्चन की करूंगा तो पुरानी बातें कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आ रही होगी। चलिए, काफी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, कुछ ना कुछ उनका रिजल्ट आ गया होगा। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ और एक एक ऑप्शन को क्लियरिफाई करता हूँ। अगर आप देखें तो ये साइक्लिक ईथर है, एपॉक्साइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एपॉक्साइड पे SN2 रिएक्शन करेगा तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे ये अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन अटैक करेगा तो इस पे अटैक करेगा। तो पहला जो P है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, वहीं पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों होगा, और P मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। P डायरेक्ट बनाने का मतलब जब यहाँ पे ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा O- और O- के साथ MgBr+ आ जाएगा। यहाँ पे H है, ये CH2 है, और इसी CH2 पे मिथाइल अटैक किया तो ये CH3 ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका P आ गया, ठीक है। अब P के बाद आगे की रिएक्शन सीक्वेंस देखेंगे, मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराया गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें आपको पता है कि ये क्या है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, यानी ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है। और फिर से इस सिचुएशन में कौन सी रिएक्शन होगी, भैया सब कुछ जानना जरूरी है, SN2 रिएक्शन फिर से होगा, फिर से SN2 होगा तो इस पर अटैक करेगा तो आई निकल जाएगा, तो यहाँ पे मिथाइल लग जाएगा, तो यानी सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच, यहाँ पे ओ मिथाइल, यहाँ पे सी एच टू एंड सी एस थ्री, और यहाँ पे आई जो निकलेगा वो एम जी बी आर के साथ हो लेगा, यहाँ एम जी बी आर पहले से था, आई इसके साथ हो लेगा, तो ये आपका पी के बाद ये आपका क्या बना, क्यू। क्यू के बाद फिर से रिएक्शन कराएगा, जरा देखिए क्या है, एच टू पी डी बी एस ओ फोर, इसको पहचानते हैं ये क्या करेगा, पहचानना तो पड़ेगा भैया, भूल नहीं सकते, लिंडलार कैटलिस्ट है ये, क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, एल्काइन पे हाइड्रोजिनेशन कराता है, किस मैनर में, सिस या ट्रांस, सिस मैनर में, तो ये भैया एल्काइन पे सिस माइनर में हाइड्रोजिनेशन करा के प्रोडक्ट आपका ये बनाएगा, बाकी जो सिचुएशन है वो ऐसे ही बनी रहेगी, तो ये आपका आर आ गया। मैच करा लीजिए, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि आर सिस आइसोमर है, क्यू क्या सही है, हाँ क्यू भी सही है, पी पी भी सही है, आर ये गलत है क्योंकि दो आर नहीं हो सकते, एक ही ये ट्रांस है, ये सिस है, यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हो जाता तो ये वाला सिचुएशन सही हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, SN2 रिएक्शन, सारी बातें आपको पता होंगी तभी आप अच्छे लेवल पे तैयार कर पाएंगे और अभी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके गाइज, प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर और आगे बात करते हैं। ओके, तो एक बार फिर से इस चक्र को घुमाते हैं, और इस चक्कर में जितने सारे रिएक्शन दूसरी बार हम लोगों ने पढ़ा था, इसी डेरिवेटिव या डेरिवेटिव से रिलेटेड और जितने नए रिएक्शन पढ़े थे उन सबको इस चक्कर में हम लोग देख सकते हैं आराम से।
तो मैं चाहता हूँ चेक करके सारे प्रोडक्ट आप फाइनली बनाए एक एक करके। कहाँ से शुरू करें? एसिड क्लोराइड से शुरू करते हुए आप क्लॉकवाइज घूमते चले जाइए। ध्यान दीजिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन मैंने वन इक्वलेंट दिया है, ठीक है, ना दिया होता तब भी वन इक्वलेंट मान के ही क्वेश्चन को करते। चलिए पहले अगर बात करें तो पहले सिचुएशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर सी ओ आर डैश, ठीक है। इसके दूसरे सिचुएशन में क्या आ जाएगा, आर सी ओ आर, हर सिचुएशन में आप देख रहे होंगे आर डैश, यही दोनों कीटोन ही कीटोन बनेगा। एस्टर में अगर आप देखेंगे तो आर सी ओ आर डैश, यहां भी एस्टर। एमाइड में ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएगा, आर डैश एच बन जाएगा। दूसरे सिचुएशन में यहां पे क्या है, क्लोरोएस्टर, क्लोरोएस्टर में क्या बनेगा, आर डैश सी ओ ओ आर एस्टर बनेगा। इस यहां पे फाजीन में क्या बनेगा, आर डैश सी ओ सी एल एसिड क्लोराइड बनेगा। डाई एल्किल कार्बोनेट में क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। एल्किल साइनाइड में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ध्यान रखिएगा यहां पे हाइड्रोलिसिस भी होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस भी यहां पे होना चाहिए H2O। मैंने बोला था कि भैया हाइड्रोलिसिस हमेशा दिया नहीं होगा, कभी कभी अपने आप ही मान लेना होगा। साइनोजन में क्या बन जाएगा, आर डैश सी एन बन जाएगा। क्लोरोसाइनोजन में क्या बन जाएगा, यहां पे भी आर डैश सी एन ही बनेगा। एल्किल हैलाइड के साथ SN2 रिएक्शन आपको पता है कि आर आर डैश बन जाएगा। ये एपॉक्साइड है, एपॉक्साइड के साथ यहां भी ध्यान रखना कि एच प्लस हाइड्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट आखिरी में होती है, जहां जहां मैं एच प्लस ले रहा हूं मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस वहां होगी। तो यहां पे क्या बन जाएगा, आर डैश सी एच टू सी एच टू ओ एच। यहां पे ध्यान रखना यहां पे सिट्रिकल एपॉक्साइड नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, यहां पे आएगा आर डैश सी एच टू, यहां पे ओ एच, ये दो दो मिथाइल इस पे लगेंगे, ठीक है। ये चक्र यार पुरानी सारी रिएक्शनों को एक साथ पिरो के रखेगा। ये क्या है, ऑक्सीडाइज करेंगे फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी आर डैश ओ एच। तो आप देख सकते हैं इस चक्र में सारे रिएक्शंस एक साथ आ गए हैं, जितने हम लोगों ने अभी ग्रिग्नार्ड रीजन के दूसरे सब्स्टिट्यूट मतलब एसिड डेरिवेटिव के साथ जितने भी रिएक्शन देखे थे, सारे रिएक्शन आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक साथ सबको याद करने की आदत भी रहेगी। आप ऐसे ही दूसरा चक्कर बना बना लीजिए, यहां पे एक्सिस में लिख लीजिए और एक्सिस के साथ प्रोडक्ट बना दीजिए, चॉइस इज योर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मतलब क्या है, याद रहना चाहिए यार, कितनी बातें आपको याद है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वही है, ठीक है, प्लीज नोट कीजिए। फिर कुछ और क्वेश्चंस की बात करता हूं। जैसे हमने कार्बोनिल कंपाउंड जब आपको पढ़ाया था, तो कार्बोनिल कंपाउंड में भी रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दिया था, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होगा और किस तरह से वहां पे ऑर्डर था। अब एसिड डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ लिया था, एसिड डेरिवेटिव अलग से उसका ऑर्डर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर से अगर कोई दोनों को शामिल कर दे, दोनों को मैच कर दे, मिक्स कर दे, भैया एसिड डेरिवेटिव को एल्डिहाइड कीटोन को भी मिक्स कर रहा हूं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। चलिए तो अगर मैं उस तरीके से एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊं, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बोलूं कि एसिड हैलाइड जो है वो हर मामले में ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो भैया एसिड एनहाइड्राइड भी रिएक्टिव होगा, ये बात कोई संदेह वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद ध्यान रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्टिव होने लगते हैं एस्टर से, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये इतनी जो सिनेरियो लिखा है ये भी कभी कभी यूज हो जाता है। ये क्या लिखा है आपका, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है, ध्यान रखिएगा क्या है ये, रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी लिखा है। कैसे मैं बताऊं, जैसे एक क्वेश्चन में ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं, तभी ज्यादा आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन इस तरह से हो, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से हो, यहां पे आपका एक एस्ट्रा लिंकेज दिया गया हो इस तरह से, ठीक है, और आपके सामने यहां पे कुछ एक बोल दिया जाए कि यहां पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया गया है, और बोल दे कि भैया वन इक्वेलेंट आपको यहां पे खर्च करना है, वन इक्वेलेंट खर्च करना है, और प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट पी क्या होगा ये बताइए, ऐसे आपसे पूछते। अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किस पे रिएक्शन करे,
इस कीटोन पर रिएक्शन करे कि एस्टर पे करे, इस तरह से संभावना आपके पास आ जाती है। और ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन लिखे जा सकते हैं। ऑप्शन अगर मैं लिखने के मूड में हूं तो पहला ऑप्शन मैं ऐसे लिख सकता हूं, कुछ इस तरह से ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, मतलब कुछ बदले किसी में कुछ ना बदले, कुछ ऐसा सिचुएशन, या मिथाइल यहां पे बंधन है। और थर्ड ऑप्शन क्या हो, थर्ड ऑप्शन हो कि दोनों से रिएक्शन करा दिया जाए, यहां पे OH, यहां पे मिथाइल और यहां पे भी मिथाइल, यहां डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और एक ऑप्शन हो सकता है कि भैया एक्सिस में कोई अपने आप एज्यूम कर ले, कहे कि हम एग्जामिनर से ज्यादा ज्ञानी हैं, हम अपने आप सोच के बातों को कर लेते हैं, किसी की बात नहीं मानते। तो अगर वो किसी की बात नहीं मानेगा, ज्यादा ज्ञानी पुरुष होगा तो ऐसा कुछ सोच लेगा, यहां पे मिथाइल और यहां पे मिथाइल, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, एक ऑप्शन आपको करना हो, ठीक, एक ऑप्शन आपको करना हो, इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन करना पसंद करेंगे। अब जिस बच्चे को ये ऑर्डर नहीं पता होगा वो परेशान होगा, कंफ्यूज्ड होगा, सोचेगा समझेगा। ज्यादा ज्ञान अगर होगा, ज्यादा सोचेगा तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिसको पता है कि भैया अगर ये एस्टर यहां पे है और कीटोन यहां पे है, एल्डिहाइड यहां पे है, तो कीटोन जो है एस्टर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इस पे रिएक्शन कराना पसंद करेगा। अच्छा, इस पे रिएक्शन कराएगा तो उसके हिसाब से आप उसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा, उसके हिसाब से बी आंसर फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अब जिसको ये ऑर्डर नहीं पता है वो वहां पे सोचेगा, दिमाग लगाएगा और उसके बाद शायद कहीं कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब रीजन क्या है इसको भी जानना जरूरी है। अब एक बात बताइए, ग्रिगनार्ड रिएजन जब अटैक करेगा, ग्रिगनार्ड रिएजन का आर माइनस जो जनरेट होगा वो आर माइनस क्या सोचेगा, आर माइनस अटैक करना पसंद करेगा। अब ऐसा नहीं कि यहां पास में तो अटैक कर दिया, अब मैंने तो यहां बना दिया, ऐसा कीटोन कहीं भी हो सकता है, ग्रुप है, ऐसी बचकानी बातें हम लोग नहीं करेंगे। होता क्या है, जैसे कार्बोनिल पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां माइनस यहां प्लस आया। अब जो ये प्लस यहां पे जनरेट हुआ एस्टर वाले कार्बन पे, जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस निगेटिव चार्ज को यहां से यहां से यहां से चलना शुरू किया। अब भैया यहां पे पॉजिटिव आ गया, अब उसके बगल में एक ऑक्सीजन है, उसके पास दो दो लोन पेयर है, वो तुरंत लोन पेयर इसको दे देगा। जब तक ये निगेटिव चार्ज यहां से चल के इसके पास पहुंचना पसंद करेगा, कहेगा तुम दूसरे का वेट क्यों कर रहे हो, तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मेरा लोन पे ले लो। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा, तब तक इसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर चुका होगा, इसके लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग कर चुका होगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, तो ये क्यों अटैक करेगा। लेकिन कार्बोनिल के साथ जब ये आया, यहां माइनस यहां प्लस, तो कोई प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां आसपास नहीं है, कोई भी न्यूट्रलाइज करने के लिए आसपास नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा हमेशा, जब तक ये अस तक पहुंच नहीं जाएगा। बात समझ में आई, तो यही इसी कारण है, यही कारण है इसका कि एस्टर जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन से बाकी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ डेरिवेटिव के साथ हमने, ठीक है, लेकिन जो ये है बाकी पार्ट है, ये अच्छे लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये ऐसा कुछ होता रहे, तुरंत ये अपने आप को लीव करा देता है, छूट जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात बहुत ही स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ओके, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक रिएक्टेंट दे दिया गया है और प्रोडक्ट भी दे दिया है। सबसे खास बात ये बोला है, एक्स मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है फिर हाइड्रोलाइज करता है। बोला गया है कि यहां से यहां तक रिएक्शन होने में, ठीक है, कितने मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट खर्च हुए होंगे, ये पूछा। यहां से यहां तक रिएक्शन होने में कितने मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट खर्च हुए होंगे। अगर ये जेई में आएगा तो इंटीजर टाइप में आएगा, ऑप्शन नहीं दिया होगा, लेकिन अगर एम्स और नीट में आएगा तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन के साथ बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप प्रयास कर लीजिए, यहां से यहां तक रिएक्शन होने में कितने मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट खर्च हुए होंगे, ये अपने आप सोच लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए जब मैं इसे एक्सप्लेन करूं।
काफी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। फिलहाल अगर बात करें हम लोग कैसे हुआ होगा, तो आंसर क्या आइडिया लगा, तो लोगों को लगा होगा कि अगर इन दोनों में मैं चेंजेस की बात करूं तो बदलाव जो रिएक्शन में हुआ है वो यहीं पे हुआ है, बदलाव हुआ है। और यहां पे दो मिथाइल एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो ये एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव में दो ही मोल खर्च हुए हैं, तो किसी हर किसी का आंसर जो है दो आ जाता है। 95% से ज्यादा बच्चों का आंसर दो आ जाता है। क्या आपका भी दो आ गया है? क्या आपका भी दो आ गया है? अगर आ गया है तो मुस्कुराइए मत, बकवास है, गलत है। अब सोचते हैं, अब सोचते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर सी एस थ्री माइनस देगा, सी एस थ्री माइनस देगा। अच्छा, सी एस माइनस देगा तो सी एस थ्री माइनस के बारे में हमें जानते हैं कि जो सी एस थ्री माइनस क्या होता है। अब इसकी औकात के बारे में देखते हैं कि सी एस थ्री माइनस क्या है, तो हम पहले से जानते हैं। कह रहा सर हम तो जैसे आए थे वैसे आपने पता कर लिया था कि हम बेस हैं या तो न्यूक्लियोफाइल हैं, बेस है या तो न्यूक्लियोफाइल है, तो सी एस थ्री माइनस जो है बेस है। अब बात करेंगे कि बेस जैसी हरकत कर सकता है क्या इस रिएक्शन के साथ, और वो कब करेगा, जब इसको मिलेगा क्या H प्लस एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, तब एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तभी रिएक्शन करेगा। तो क्या इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि भैया पहले तो बेस, ये बेस ही है, अगर बेस जैसी हरकत नहीं कर पाया मतलब एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर पाया तब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो हमने देखा कि हाँ खतरनाक बेंजोइक एसिड यहां पे अवेलेबल है और यहां पे थायोल अवेलेबल है। हमने बोला था कि भैया सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन इन सब से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता, तो एक एसिडिक हाइड्रोजन यहां, एक एसिडिक हाइड्रोजन यहां। तो ध्यान रखना अगर ये H इसको मिल जाएगा, यानी H प्लस अगर इसको मिल जाएगा तो मेथेन बना लेगा, तो दो मोल मेथेन बना, यानी दो मोल एसिडिक हाइड्रोजन है, तो दो मोल खर्च हो गए तो एसिड बेस रिएक्शन में। अच्छा, जब यहां पे दोनों रिएक्शन कर जाएगा तो क्या आ जाएगा यहां पे, यहां से माइनस MgBr प्लस, यहां पे भी क्या आ जाएगा माइनस और MgBr प्लस, ये आ जाएगा, ये दो मोल खर्च हो गए। अब बेस बनने से कोई फायदा नहीं क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है नहीं, तो मतलब ये बेस होने का जो एडवांटेज लेना था वो ले लिया। अब ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बनके इसके पास जाएगा, कहेगा बेटा तुम बताओ न्यूक्लियोफाइल के साथ तुम्हारी फितरत कैसी है। कहेगा सर हम तो एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है थ्रू SN2 मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जैसा कि आप कर चुके हैं। तो एक बार आएगा, एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, Cl को हटा के मिथाइल लगा देगा, मतलब कीटोन बन जाएगा। दूसरी बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, एक मिथाइल और लगाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, मतलब एल्कोहल क्या बन जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज MgBr प्लस आएगा, ये बन जाएगा। यानी दो मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां खर्च हुए, दो मोल खर्च हुए एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल। फर्दर सबका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा H आ जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा H आ जाएगा, जो कि वहां वही आया है, वही आया है। तो ऐसा लगता है कि जो ये है जैसे था शुरुआत में वैसे ही ये है, मतलब इसकी सेहत से फर्क नहीं पड़ा है। सिमिलरली जैसे ये है SH वैसे यहां पे भी SH है, मतलब SH की सेहत पे फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन भैया पड़ा है, पहले यही रिएक्शन किया है, बाद में हाइड्रोलिसिस करने के बाद H आ गया। तो फिर कोई कह रहा सर अगर H आ गया क्या फिर से रिएक्शन करेगा, ये तो भैया जब इसकी औकात खत्म हो गई बोला कि बस अब मैं किसी से कोई रिएक्शन नहीं करूंगा, कहेगा बेटा अब तो मैं हाइड्रोलाइज हो जाऊं, तो हाइड्रोलाइज हो गया, अब ये दोबारा नहीं कहेगा अब तो मैं फिर से रिएक्शन करूंगा, अब तो मैं फिर से रिएक्शन करूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कई बच्चों का डाउट आता सर कि ये अगर हाइड्रोलाइज होकर फिर से ये चला गया तो क्या फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, नहीं, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना उथल पुथल मचा के खत्म हो जाएगा तब हाइड्रोलिसिस होगा। तो आप देखिए दो मोल मेथेन गैस बने, दो मोल एसिड बेस में खर्च हुए, दो मोल न्यूक्लियोफाइल में, टोटल मोल कंज्यूम हुए कितने, फोर, इसका आंसर चार।
अब कभी कभी आए रिएक्टेंट बदल जाए और ड्रास्टिक थोड़ा सा बिग्रस हो जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए, पूछ ले कितने मोल मीथेन गैस बनेंगे, कितने मोल मीथेन गैस बनेंगे, ठीक है कि नहीं? तो यार ध्यान रखना मीथेन गैस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अगर इसमें देखा जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम लोगों ने सीख लिया है, उसे अप्लाई करना आता है, तो जैसे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिला के भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे देखिए, इसमें बहुत सारी पुरानी इंफॉर्मेशन, एक एस्टर दे दिया गया, आपको पहचान में आ रहा होगा, R1COR, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रेफर करा गया, जैसे R2MgX दे दिया गया, बोल रहा कि एक इक्विवेलेंट इसका यूज करना, मतलब एक ही बार रिएक्शन कराना है, तो कोई कंपाउंड P बनता है। आई होप समझ पा रहे होंगे, प्रोडक्ट पी गिव एलो प्रसिपिटेट विद I2 एंड एल्कली। ये कौन सी बात है, एलो प्रसिपिटेट, ये पी जो है ये एलो प्रसिपिटेट देता है आयोडीन और एल्कली के साथ, यानी भैया इनडायरेक्टली बोला है कि जो पी है वो आयडो फॉर्म देता है। आयडो फॉर्म याद है, एल्किल हैलाइड है भैया, हम लोग हेलो फॉर्म अलग से पढ़ा है, आयडो फॉर्म देता है। देन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, ये R1 है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R2, क्योंकि आपको पता है कि ये जड़ है, ये तो लीप कर जाएगा रिएक्शन के बाद। तो कह रहा है पी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसके लिए R1 और R2 का करेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए, यही बात है। तो चलिए चेक करते हैं, आई होप कि आप लोगों ने ट्राई करना शुरू कर दिया होगा, तो आप जैसे ट्राई करेंगे तो कुछ बातें अपने आप समझ पाएंगे, क्योंकि एस्टर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन आप लोग कर चुके हो, ठीक है, वहां पे आप लोग कर चुके हो, और दो कंडीशन में रिएक्शन करते थे, आपको याद होगा, एक 1 इक्विवेलेंट के साथ, मतलब जब एक्सिस में नहीं दिया हो, और एक एक्सिस में दिया हो, तो यहाँ पे एक्सिस में दिया नहीं है, ठीक है। तो मोर देन ऑप्शन आप लोग जिसने लोगों ने अटेम्प्ट करना शुरू किया होगा, उन्हें मोर देन वन ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ओके, चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअली कैसे किसी ने अप्रोच किया होगा, आप मैच कराइए अपना अपना आंसर। अगर मैं पहले उस जनरल रिएक्शन को लिख लूं जो मैं एस्टर के साथ कराता था, तो इसी के साथ, इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैं लिख रहा हूं, यहां पे R2MgX, ठीक है। क्या होता था अगर मैं याद दिलाऊं, तो ये माइनस, ये प्लस, और यहां पे ये रिएक्शन करता था, ठीक है। और साइमल्टेनियसली अगर मैं सोचूं तो इस स्टेज पे, तो अगर एक बार मैं पूरा सोल्यूशन लिख ही देता हूं, तो आपके पास आएगा कुछ इस तरह से, यहां पे क्या आ जाएगा, R2, यहां पे OR, याद है आपको, SN2 रिएक्शन विथ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये आपका सिचुएशन बन के आएगा। अगले स्टेप में क्या होता था, अगले स्टेप में निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करता था और ये जेड जो है लीप कर जाता था, यही होता था। तो जरा देखिए क्या बन के आया, R1 ये बन के आया, C डबल बॉन्ड O एंड ये R2 बन के आया, ठीक है। यानी एक कीटोन बन के आया, मतलब मैं कीटोन ना डायरेक्टली बोल के मैं ये बोल दूं कोई कार्बोनिल बन के आया, क्योंकि R1 R2 के बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बोल पाएंगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड कोई है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। R1 R2 एल्किल ग्रुप नहीं है, कुछ अलग कॉम्बिनेशन दिया गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कार्बोनिल है, ठीक है। और ये लीविंग ग्रुप जो है RO- यहाँ पे लीव कर जाएगा MG के साथ, ये आपके साथ, इतनी समझ पा रहे हैं। अब बोल ये रहा है कि जो ये कंपाउंड है, यही तो क्या आपका पी है भैया, यही आपका पी है। ये बोल रहा है कि I2 के साथ और कोई एल्कली हो, कोई भी एल्कली हो, तो जो प्रोडक्ट बनाता है वो एलो प्रसिपिटेट बनाता है, और एलो प्रसिपिटेट किसका होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, वो CHI3 की होता है, CHI3 का होता है। यानी ये कंपाउंड आयडो फॉर्म रिएक्शन दे, ऐसी बात है। अब आप देखिए इसमें क्या आया, R1 R2 आया, आपसे पूछा क्या, यही R1 और R2 का कॉम्बिनेशन ही तो पूछा है, R1 और R2 का कॉम्बिनेशन ही तो पूछा है, तो आप शुरू हो जाइए आयडो फॉर्म, अगर आपको पता है तो आप सीधे से, अब चलिए एक एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर R1H हो जाए, R2 मिथाइल हो जाए, R1H हो जाए, R2 मिथाइल हो जाए,
तो ये रिएक्शन, ये कंपाउंड क्या आ जाएगा? अगर मैं पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करूं, R1 को मैं H रख दूं और R2 को मिथाइल रख दूं, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड आडो फॉर्मेटस देता है। हाँ देखिए, यही मैं आपके पास मैजिकल ग्रुप चाहिए था, तो पहला वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए बी वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि R1 को मिथाइल कर दो, R2 को इथाइल कर दो। चलिए R1 को मिथाइल कर देते हैं CH3, और R2 को इथाइल कर दो, ठीक है ये कर दो। क्या ये भी आडो फॉर्म देगा? हाँ, अभी देखिए ये ग्रुप हमें चाहिए, इस सिचुएशन में ये G हो जाएगा और ये ग्रुप आडो फॉर्म देगा, तो दूसरा वाली बात भी सही है। उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ्रिक्वेंट बातें समझ में आ रही होंगी जिन स्टूडेंट्स ने आडो फॉर्म की क्लास को अटेंड कर रखा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन बोला गया है कि R1 को आइसोप्रोपिल ग्रुप कर दो। मैं यहां थर्ड ऑप्शन लिख देता हूं, R1 को आइसोप्रोपिल लिख दो, मतलब मैं लिख देता हूं CH3 H C डबल बॉन्ड O, R1 लिख दिया। R2 को बोल रहे मिथाइल कर दो, जैसे यहां पे मिथाइल आया फिर से ये आइडो फॉर्म दे देगा, फिर से ये दे देगा। डी ऑप्शन को अगर मैं यही लिख दूं, डी ऑप्शन के रिगार्डिंग जो आपका चाहिए सोल्यूशन में, तो R1 को बोल रहा है इथाइल कर दो, तो इथाइल को अब थोड़ा सा अच्छे से लिखने की जरूरत है, इथाइल कर दो। R2 को बोल रहा है आइसोप्रोपाइल कर दो, आइसोप्रोपाइल कर दो, कर दिया। अब ये भैया किसी भी सूरत में आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप होना चाहिए कीटोन या कार्बोनिल से रिलेटेड, वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये जी बदलता रहेगा, लेकिन ये ग्रुप हमें चाहिए हर सिचुएशन में। देखिए ये ग्रुप जरूर प्रेजेंट है तीनों ऑप्शन में, लेकिन लास्ट ऑप्शन में R1 R2 को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये ग्रुप हमें मिल नहीं रहा है। तो लास्ट वाला ऑप्शन भैया जो आपका डी है, वो डी हैलो फॉर्म सॉरी या आइडो फॉर्म प्रिपेयर नहीं करेगा। तो आप देख लीजिएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट आइडो फॉर्म रिएक्शन को मिला के एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया है, जिसमें आपको अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन नहीं पता होगा या आइडो फॉर्म का रिएक्शन नहीं पता होगा, इन दोनों से अगर कोई भी बातें आपको पता नहीं है तो आप यह क्वेश्चन नहीं कर, ठीक है। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, इसे नोट कीजिए, फिर और बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट विल बी ए सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑब्लिकर। अब फिर से रिएक्शन सबसे कराया गया, अगर आप सब में देखें, सब में ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से कराया गया, करा किसमें जो है या किस किस में सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट आपका होगा, ये आपसे बात पूछा है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल किसमें होगा यही बात आपसे पूछा है। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन से रिएक्शंस आपको अच्छे से आते हैं, तो आप अल्कोहल की को पहचानने में या बनाने में आपको कोई भी असुविधा होगी नहीं, ठीक है। फिर से ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, मैं चाहता हूं हर किसी को आप ट्राई करें और आप सही कॉम्बिनेशन बताएं, ठीक है। इसमें कुछ बातें भैया अगर आपको याद हो, ठीक है, जैसे मैं कभी याद करने पे किसी बात पे जोर देता नहीं हूं कि याद करिए, आप करते करते भाई ऑब्जर्वेशन अगर कुछ कंक्लूजन आप निकाल पाते हो वो बहुत ही हेल्पफुल होता। तो जिन स्टूडेंट्स ने कंक्लूजन बेस पे अटेम्प्ट करना शुरू किया होगा, तो उन्होंने कुछ ऑप्शंस को बहुत ही इजीली कर लिया हो, ठीक है। फिलहाल अगर मैं ऑब्जर्वेशन के साथ जाऊं, मैं पहले ऑब्जर्वेशन की बात करूं, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर करना होता है, ठीक है, आंसर कम समय में करना होता है, तो मैंने आपको वहां बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड, याद होगा आपको, फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसका किसी भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा, हमेशा, क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास 2H ऑलरेडी है और एक ऑक्सीजन है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो बाय इलिमिनेट ऑब्जर्वेशन इस ऑप्शन को इलिमिनेट कर दिया। सिमिलरली ऑक्सीजन को अगर आप पहचानते हो तो यह ऑक्सीजन भी 1 डिग्री अल्कोहल देगा, अब बसरते ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पता हो, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पता हो तो ये बात कर पाओगे। तो ये तो ऑप्शन हटा दिया। अच्छा एसिटल्डिहाइड, और या फिर मैंने बोला था कोई भी एल्डिहाइड,
कोई भी एल्डिहाइड है अगर वो ग्रिगनार्ड रिएक्शन से रिएक्शन करेगा तो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने बना दिए। अब ये दोनों आंसर आपके हो गए। अब इसमें देखिए मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ हमने आंसर कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे इस रिएक्शंस को तो वहां पे हम जो नजर आ रहा था उसको बोलते चल रहे थे और समझते चल रहे थे। अब ये तो बात रही अच्छे दिमाग की उपज की कि जो अच्छे से ऑब्जर्व किया किसी ने और वो एग्जाम में अप्लाई करके सीधे आंसर बढ़ गया। इससे आपसे 10 से 15 सेकंड लगे होंगे आपका क्वेश्चन हो गया। फिलहाल ये तो एक अच्छे स्टूडेंट की बात है। अब एक एवरेज बच्चा क्या करेगा, हर रिएक्शन करा करा के चेक करेगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, थोड़ा समय लग जाता है लेकिन उसका भी रिजल्ट सही आता है। अब चलिए मैं एवरेज स्टूडेंट की तरह बात सोचता हूं। अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ऑक्सीजन है। अब उस एवरेज बच्चे को भी ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, सिंपल ऑक्सीजन। ठीक है, इसे एथीन ऑक्साइड भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने आपको बताया था एपॉक्साइड, ये माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, याद है आपको, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक हो जाएगा तो यहां पे क्या आएगा, CH3, ये CH2, ये CH2, और यहां पे O माइनस, भाई ये CH3 इस पे अटैक किया, ये CH3 यहां आ गया, CH2 पे अटैक किया तो CH2 और फिर CH2 और इसी से ऑक्सीजन O माइनस, हाइड्रोलिसिस के बाद H आ जाएगा। तो ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑब्जर्वेशन से हटा चुके हैं। इसमें देखिए आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, अगर आप इस फॉर्मेल्डिहाइड को आप थोड़ा सा अच्छे से बनाए तो आप ऐसे बना सकते हो। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस और ये प्लस, इस प्लस पे अटैक करेगा, अटैक करेगा, जरा देखिएगा इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊंगा तो CH3 CH2 H, यही वाला ग्रुप अटैक किया, किस पे अटैक किया, ऐसे कार्बन पे जिसके पास 2H ऑलरेडी है, तो CH2 लिख दिया और यहाँ पे O माइनस आएगा, फिर बाद में H हो जाएगा। देखिए ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम क्या हो सकता भैया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ध्यान रखना इस नाम भी जरूरी है, कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। सिमिलरली इसको अगर आप देखोगे तो ये CH3 CHO फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरा एल्डिहाइड है, इस पे आप फिर से अटैक कराओगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या अटैक किया, CH3 CH2, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे OH HCH3। देखिए आराम से इस कार्बन पे एक एच ऑलरेडी लगा था और उसी पे OH आ जाएगा। ये देखिए ये 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, ये आप शर्म कर चुके हैं। सिमिलरली देखिए साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेंजल डिहाइड दिया गया। ठीक है, PH CHO, तो ये एक स्टेटमेंट यहां पे बहुत ही जेन्युइन है, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड ऑल एल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑलवेज गिव सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पे जरा देखिए क्या आएगा स्ट्रक्चर, यहां आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा ये वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट में था, ये वाला जिस पे अटैक करेगा वो कार्बन ये है, उसके पास एक एच है, उसको OH में कराउंड और ये PH। ठीक है, ये भी देखिए 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ठीक है, तो आपको मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करके बता दिया कि आपको बाय ऑब्जर्वेशन कैसे करना होता है, और अगर आपको ढंग से आराम से करना चाहते हैं एवरेज स्टूडेंट की तरह तो आप कर करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी भी आंसर आपका वही रहेगा सी एंड डी, नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन सोचा ऐसे जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द प्रोडक्ट कैपिटल एम, प्रोडक्ट कैपिटल एम इज गिवन बिलो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक बार। ठीक है, प्रोडक्ट एम दे दिया गया है और कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ये आपस में रिएक्शन करेगा जो प्रोडक्ट एम बनाएगा, यही आपको बताना। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना, पूछने का अंदाज कैसे कैसा हो सकता है एग्जामिनर का, उन्हीं सारे क्वेश्चन के तरीके को हम यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन और ग्रिगनार्ड रिएजन पे आपके सामने फ्रेम कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको, तो सबसे पहले फिर से मैं कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करूँ,
तभी मैं बात बढ़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा जब पढ़ लेता हूँ यार चैप्टर को या मैं पढ़ा देता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऑब्जर्वेशन को भी आप साथ साथ लेके चलें, क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कम समय लगता है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन मैं बोल पा रहा हूँ कि ये भैया 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। सबसे पहली बात तो मैं ये बोल पा रहा हूँ कि 3 डिग्री अल्कोहल है। अब 3 डिग्री अल्कोहल है, अब उसी हिसाब से मैं सोचना शुरू करूंगा, ये फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कीटोन के साथ ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिर से कीटोन के साथ ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कीटोन के साथ ये भी ठीक है, लेकिन कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाएगा, ये हम जानते हैं। चाहे कैसा भी हो वो ग्रिग्नार्ड एजेंट, लेकिन अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो किसी भी सूरत में वो 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाएगा, तो ये ऑप्शन में तो कभी आएगा ही नहीं, इतनी बात मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ पहले से। और बाकी रही बात, अब हम आपके दिमाग का सेट कितना अच्छा है, दिमाग का सेंस कितना अच्छा है, कितना तेजी से आपका माइंड ऑब्जर्व करता चीजों को, उस हिसाब से है, ठीक है। अब ये क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस और ये प्लस, फेनिल इस पे अटैक करेगा, जरा देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा, मिथाइल को मैं अच्छे से लिख दूं और यहाँ पे ओ माइनस, बाद में एच आ जाएगा, यहाँ पे पी एच आ गया और यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री आ गया, तो ये प्रोडक्ट आया। क्या ये प्रोडक्ट है? हाँ, इस प्रोडक्ट में अगर आप देखें आराम से तो ये क्या है, एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, एक उसी कार्बन पे फेनिल, उसी कार्बन से मेथिल, तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, एथिल है, मेथिल है और फेनिल है, तो बिल्कुल पहले वाले कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना। हाँ, तो पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़े दूसरे वाले ऑप्शन में, देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए, तो ये मिथाइल है, इस पर अटैक करेगा माइनस प्लस, तो इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, जरा देखिएगा, इस केस में आएगा यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ एच, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ एच, यहाँ पे फेनिल था, ठीक है, फेनिल था, अटैक कौन किया, मिथाइल, और यहाँ पे क्या था, इथाइल, इथाइल को मैं ऐसे लिख दूं, ये आपके पास प्रोडक्ट आया दूसरे वाले में, क्या ये भी M से मैच कर रहा है, हाँ M से मैच कर रहा है, देखिए एथिल है यहाँ पे भी, मेथिल है, फेनिल है, तो भैया दूसरा वाला भी कॉम्बिनेशन सही है। सिमिलरली अगर थर्ड वाले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़े, थर्ड वाले कॉम्बिनेशन में, तो थर्ड वाले कॉम्बिनेशन को जितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर लिया होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि सर थर्ड वाला भी आपका प्रोडक्ट M से मैच कर रहा है, यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे सी एस टू सी एस थ्री और यहाँ पे पी एच, इस सिचुएशन में एथिल है, मेथिल है और फेनिल है, तो ये भी एम से मैच करा, यानी तीसरा वाला भी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस में है, सिंगल करेक्ट में क्या है कि कौन सा कॉम्बिनेशन एम नहीं बनाएगा, ऐसा पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एम, या फिर नहीं बनाएगा एम, ये विल नॉट बी फॉर्म एम, तो सिंगल करेक्ट में ये आंसर सही से हो जाएगा, मल्टीपल करेक्ट में तो आपने देख ही रहा, लेकिन फाइनली आपको करना ऐसे ही होता है। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट की खास बात क्या है, जैसे इन्होंने ऑब्जर्वेशन से खत्म कर दिया, वैसे यहाँ सोच लेते कि एथिल मेथिल तो यहाँ लगा हुआ है, जैसे कि एथिल मेथिल यहाँ है, फेनिल यहाँ से आ जाएगा तो यहीं पर हो जाएगा, मतलब ये प्रैक्टिस जितनी अच्छी है, कोई अच्छा स्टूडेंट यार बॉर्न नहीं होता यार कि वो पैदाइशी बहुत अच्छा रहा हो, जन्म लिया हो कुछ अब्राहम लिंकन बनने के लिए, वो कितना प्रैक्टिस करता है उसी से डिसाइड करता है एक अच्छा माइंडसेट और एक एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट पे कीटोन के रिएक्शन से कमांड कर लिया तो आप ऑब्जर्वेशन से, भैया एथिल मेथिल यहाँ है फेनिल आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा, फेनिल एथिल यहाँ पे है मेथिल आ जाएगा ये भी हो जाएगा, मतलब ऑब्जर्वेशन से ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता है बिना ये सब किए, लेकिन फिलहाल अगर आप करके देखते हो तो हाँ कुछ सेकेंड्स ज्यादा लगेंगे फिर भी आपका रिजल्ट सही आएगा, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको सेकेंड्स कुछ बचाने हैं तो प्रैक्टिस बनना पड़ेगा, ठीक है, नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन पे सोचते हैं। क्वेश्चन और है, बिल्कुल अगर मैं बोलूँ तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट यार वही है जो भी पिछला हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ठीक है, प्रोडक्ट वही है लेकिन रिएक्शन कॉम्बिनेशन जो है इस बार बदल गए हैं। पूछा है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, किससे कॉम्बिनेशन से ये नहीं बन सकता, ठीक है,
तो जितने भी स्टूडेंट्स लगातार जुड़े हुए हैं, प्रीवियस वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उसके लिए इतना सड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, देखते ही उसने आंसर कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि क्या उसने सोचा, सर ये मैं एक बात प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये बात मैं शुरू में प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं। बोल रहा है कौन नहीं बनाएगा, ये पूछ रहा है नहीं बनाएगा, और पहला ही कॉम्बिनेशन बहुत ही गंदा लिखा है। क्यों? फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया है किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सकल सूरत कैसी हो, लेकिन मैं ये बात पक्का गारंटी से कह सकता हूं कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ दुनिया का कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकता। तो भैया यही आपका आंसर सही है, यही आपका आंसर सही है, क्योंकि हमें एग्जामिनर ने पहले बता रखा है कि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो बाकी को फूटी आंख भी नहीं देखूंगा। ये भैया एग्जाम में आप ही के एग्जाम में आया है, जेई मेंस 2019, जेई मेंस 2019, तो आप देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं इसीलिए पिक किया क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन करा, जो इससे पहले मैं कराया हूं वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में पिछले कई साल से मैं कराता आ रहा हूं, ठीक है। और आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता, तो आप लॉजिकली समझने का प्रयास करें क्वेश्चन किस तरह से होता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन पे जरा सा भी बिलीव करते हैं, तो मैंने जितनी भी बात ऑब्जर्वेशन मैंने आपको सिखाई है वो तुरंत यहाँ पे वर्कआउट कर गया, और आपको 4 नंबर का क्वेश्चन 4 सेकंड में आपने कर दिया, 4 सेकंड में, 4 सेकंड भी नहीं लगते। जैसे आपने नजर घुमाई ऑप्शन पे, तुरंत आपके सामने आ गया कि यार फॉर्मल्डिहाइड कभी, अच्छा बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, बाकी सारे ऑप्शन में बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, ओके। तो प्लीज आप नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सोचते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक लैंग्वेज आपके सामने फ्रेम किया गया है, एक लैंग्वेज लिखा गया है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज समझना होगा, तब अपने आप स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, क्या स्टोरी है, क्या सीन है उस स्टोरी में, ठीक है। तो आई होप कि आप स्टोरी समझ पा रहे हो थोड़ा सा। बोला गया है कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H10O, ठीक है, रिएक्ट विथ CH3MgBr यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है टू गिव्स ए कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H14O है, which give iodoform test, then find out the structure of A। यानी कह रहा है A कोई कंपाउंड जो ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करता है, वो कंपाउंड ये बनाता है, ये कंपाउंड जो बनता है वो भैया आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये बात है। तो मैं चाहूंगा इसे आप ट्राई करें, इसके लिए 1 मिनट ले सकते हैं, 2 मिनट ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसके अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कैसे अप्रोच करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप अपना प्रयास कर लीजिए, आप कैसे आप सोचते हो, ठीक है, आपका कंक्लूजन क्या आता है उसके हिसाब से फिर मैं आपको आंसर करना सिखाऊंगा कैसे आंसर करते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है कि भैया अगर आपने कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं की है और जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में मैंने चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे जैसे आपने क्लासेस की हैं, अगर वो सारे क्लासेस आप उसी सीक्वेंस में आप करते चले जाओगे तो आपके पास एक लेआउट मिल जाएगा कैसे सीक्वेंस में क्वेश्चन को यूज करते हैं आप कॉन्सेप्ट को करते हुए। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जितने भी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट आएंगे ऑर्गेनिक में, किसी भी क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन पा रहे हैं, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता दूंगा जिसे सीधे आंसर करके आप आ जाओगे। ये मैं केवल एम्स, नीट, जेई मेंस की बात कर रहा हूं, एडवांस में भी इवेंचुअली कुछ जगह पे होल्ड कर जाता है, कुछ जगह पे, सारे क्वेश्चन एडवांस में मैं नहीं बोल सकता हूं, उसके लिए आपकी डीप एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। मैं कर दूंगा एडवांस के भी क्वेश्चन बिना पेन चलाए, कारण क्या है कि मेरे साथ कई साल का अनुभव है और वो आपके साथ तुरंत 6 महीने 8 महीने 1 साल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा जितना प्रैक्टिस करोगे। लेकिन हाँ, इसी 6-8 महीने साल भर में जो हमारे साथ पढ़ेंगे जेई मेंस, नीट और एम्स के क्वेश्चन तुम्हें बिना पेन चलाए करवा दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इन सारी बातों के साथ आप कुछ इसमें कंक्लूजन पे पहुंच गए होंगे और आप
ने कुछ ना कुछ आंसर इसका निकाल लिया होगा। चलिए मैं सलूशन की तरफ बढ़ता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कुछ ऐसे सोचता, लैंग्वेज जो भी दिया हो उसको पहले फ्रेम कर लो अपने फॉर्मेट में। बोल रहा कोई कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H10O है, ये है। इसकी रिएक्शन क्या बोला है, किससे कराओ, CH3MgBr से कराओ। कोई कंपाउंड बन रहा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H14O है। अब इसकी खास बात यह है कि यही आयडोफॉर्म देता है, यही आयडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये I2 के साथ एंड कोई एल्केली या बेस के साथ, ठीक है, यही आयडोफॉर्म देता है। इसी के बारे में हमें सोचना है। अब इसके बारे में सोचने से पहले हमें इस कंपाउंड के बारे में बात करना जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता, तभी तो अब ये तो आप डायरेक्ट तो बता नहीं पाओगे, पहले यही सोचोगे, क्योंकि ए आपको बताना है, बी नहीं बताना है, ए बताना है। अब जैसे मैं सोचा हूं तैसे मैं कुछ बता पाऊंगा कि कंपाउंड में अगर मैं देखूं तो अब ऑब्जर्वेशन मेरे पास आएंगे, ऑब्जर्वेशन आएंगे, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होने के लिए, मतलब आयडोफॉर्म देने के लिए, अगर कोई एल्कोहल है तो एल्कोहल की शक्ल ऐसी होनी चाहिए, अगर कोई कार्बोनिल है तो कार्बोनिल की शक्ल ऐसी होनी चाहिए। ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए, ये दोनों क्या करते हैं, आयडोफॉर्म देते हैं। ये बात भैया आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको कुछ सोच पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए ना। अब चलिए सोचना शुरू करते हैं। अब पहला वाला ऐसा कंपाउंड है, पहला वाला एक क्या है, एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो, ये बात समझ में, एल्डिहाइड है। अच्छा एल्डिहाइड है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड तो है नहीं, ये 2 डिग्री अल्कोहल देगा, तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री अल्कोहल ही है, 2 डिग्री अल्कोहल देगा, इतनी बात समझ में आता, मतलब इससे अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल आपका आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल आएगा, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल आएगा, तो वो अल्कोहल जो है आयडोफॉर्म देगा। अच्छा इसके बारे में क्या बोलोगे, ये भैया एल्डिहाइड है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल दे रहा था, ये क्या है, ये कीटोन है, कीटोन जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल देता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल देगा। अब 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यानी ये प्रोडक्ट 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और हमने पढ़ रखा है हेलोफॉर्म या आयडोफॉर्म रिएक्शन में कि दुनिया का कोई 3 डिग्री अल्कोहल आयडोफॉर्म नहीं देता, दुनिया का कोई 3 डिग्री अल्कोहल आयडोफॉर्म नहीं देता, ये बात हम पढ़ चुके थे। तो ये हमारा आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल देगा। भैया इसको देखो, ये भी क्या है, ये भी कीटोन ही तो है, ये भी कीटोन ही तो है, अच्छा ये भी कीटोन है तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल देगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये क्या है, ना एल्डिहाइड है ना कीटोन, ये क्या है, ईथर है, और ईथर भैया रजिस्ट होता है, ईथर रिएक्शन ही नहीं करता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये जो कंपाउंड है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, हमने बताया था ये सिंपल ईथर जो है कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये डी ऑप्शन तो अपने आप बकवास हो गया, क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी कोई मोहब्बत नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो आप देख रहे हैं अच्छे लेवल के ऑब्जर्वेशन और माइंड सेट की वजह से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बचा हुआ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बचा हुआ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो सारे रिएक्शन को आप परफॉर्म करके देख सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करा दूं तो ये CH3MgBr अगर इसके साथ में रिएक्शन करा रहा हूं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ध्यान देखिए, यहाँ पे कार्बन है, इसी के पास H है, यहाँ पे C है, H है, और एक मिथाइल आएगा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मिथाइल है ये, ठीक है, ये इस पे जब अटैक करेगा। अब आप देखिए ये ग्रुप आपके पास आ गया, ये आपका क्या हो गया, ये वाला स्पीसी क्या हो गया, G, और यही वाला ग्रुप आपको मिलेगा। तो आपने देखा, और हाँ ये ऐसे मैं नहीं करा रहा हूँ यार, ये आपके एम्स के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो वो एम्स 2019 का क्वेश्चन है, ये एम्स 2019 का क्वेश्चन है भैया, जेई मेंस वाले भी बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जेई का भी मेंस का भी लेवल का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है, पूछा भी जा गया है, अभी मैं करा रहा हूँ कैसे पूछा गया, और आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि एम्स और जेई में क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंस आता है क्वेश्चन में।
देखा, अगर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आपने रिएक्शन कराया है और हेलो फॉर्म के हमने आपको पांच सूत्र दिए थे, जिसे पांच ब्रह्मास्त्र मैंने बोला था, उन पांच ब्रह्मास्त्र की मदद से आपने हेलो फॉर्म आर्डो फॉर्म की सारे रिएक्शन को धड़ाधड़ धड़ाधड़ कर दिया था, हमने आपको याद दिया। अब मैं इस स्टेज से पांचों स्टेटमेंट बोलूंगा नहीं, उसके लिए आपको हेलो फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। हेलो फॉर्म पढ़ने के लिए आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आएगा। सीक्वेंस में भैया जुड़े रहना बहुत जरूरी है, हमेशा मैंने कहा कि अगर सीक्वेंस में आप मेरे साथ जुड़े रहे तो कोई दुनिया का क्वेश्चन आपसे रुक नहीं सकता एग्जाम में। और मैंने आपसे बताया कि भैया मैं ऑब्जर्वेशन से आंसर कर देता हूं और आप भी कर दोगे। अब इसमें आपको क्या चाहिए था, आपको आइडो फॉर्म की अच्छी नॉलेज हो कि आइडो फॉर्म किस कंडीशन पे परफॉर्म होता है और ग्रिगनार्ड रीजन की रिएक्शन पता हो, दैट्स इट। प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए और जितना भी ज्ञान अपना अभी तक आपने अर्जित किया है सब इस्तेमाल कर दीजिए इसमें। घबराहट थोड़ी सी आई होगी, चलिए थोड़ी सी मैं घबराहट कम करने के लिए एक्सप्लेन कर देता क्वेश्चन। कोई कंपाउंड पी है, अननोन पी है, ठीक है, उसके बारे में बोला गया पी गिव्स आइडो फॉर्म टेस्ट। एक इंफॉर्मेशन दिया इस पी के बारे में कि आइडो फॉर्म टेस्ट देता है। पी की रिएक्शन पहले ग्रिगनार्ड रिएजन से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, फिर हाइड्रोलिसिस, फिर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया गया। ये तीनों सिक्वेंस दिए गए तो कुछ यहां बनेगा, जो यहां बनेगा उसका ओजोनोलिसिस किया गया है आपको, उसके बाद ये प्रोडक्ट दे दिया गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट दे दिया है। अब बोल रहा है प्रिडिक्ट द कंपाउंड पी ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। अब इस पी का स्ट्रक्चर बताना है, जो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं इन सारी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं ग्रिगनार्ड रीजन पढ़ा चुका हूं, डिहाइड्रेशन पढ़ा चुका हूं जिसमें सारी बातें कर चुका हूं, ओजोनोलिसिस में एल्कीन में पढ़ाया था, एल्काइन में पढ़ाया था, तो सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे करेंगे। भैया जेई मेंस 2020 में आया है, ऑब्वियसली जनवरी फेज में, क्योंकि दूसरा फेज तो अभी होने वाला नहीं, तो शुरू हो जाइए इसमें, देखते हैं कितने लोग पहुंच पाते हैं, कितने लोग पहुंच पाते हैं। यहां पर मैं ऑब्जर्वेशन से ही करूंगा, ठीक है, सटीक ऑब्जर्वेशन से ही करूंगा, लेकिन आप किस हद तक ऑब्जर्वेशन पे चल पाते हैं वो आप, हाँ जिसका ऑब्जर्वेशन यार वीक है वो वहां पे दिमाग पे जोर नहीं देगा कि अब सोचे, उससे बढ़िया है दो काम है, या तो ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक हो कि रिजल्ट आ जाएगा, या जिसको ऑब्जर्वेशन पे बिलीव ना हो वो हर रिएक्शन सिक्वेंस में पी को एज्यूम करते हुए रिएक्शन सिक्वेंस फॉलो कर दे। लेट्स पी दिस, तो इसकी रिएक्शन सिक्वेंस बढ़ा लीजिए, अगर इससे रिएक्शन पी को मान के अगर रिएक्शन करते करते यहां तक आते आते ये मैच कर गया, ठीक है, तो वही आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन से अगर कोई कर रहा है तो वो अलग बात है। चलिए, काफी लोगों का आ गया होगा फिलहाल। चलिए मैं अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं, मैं इसे कैसे क्वेश्चन को करना होता। अब मैं क्या देख रहा हूं, इसको अगर मैं देखूं आराम से तो मैं देख रहा हूं कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो यहां पे इसको ओजोनोलिसिस किया गया। अच्छा, अगर आप किसी स्टूडेंट को याद हो तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट से पीछे आने का तरीका मैंने सिखाया है कि अगर आपको ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट दिया हो, पीछे आने का क्या तरीका होता है कि ऑक्सीजन को हटा दीजिए, मैंने बताया था कि दोनों ऑक्सीजन को निकाल दीजिए तो आपका ये प्रोडक्ट आपसे मिल जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को मैं इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर दूं तो मैं कुछ ऐसा प्रिडिक्ट करूंगा। जरा देखिएगा, ये बात भैया पुरानी है, अब जिस स्टूडेंट तक नहीं पहुंची, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए बात अलग है, कुछ इस तरह से। जरा देखिएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि यहां से ऑक्सीजन, और यहां पे एक मिथाइल लगेगा, ये वाला मिथाइल जो है यहां पे आएगा, और उसके बाद इस कार्बन पे दो दो मिथाइल लगेंगे, ठीक है। इसका जब आप ओजोनोलिसिस करा दोगे
O3 ZN के साथ H2O, तो आपको ये गिवन प्रोडक्ट मिल जाएगा, गिवन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, इसका उसे साफ करा दूंगा, ठीक है। ओके, अब कुछ बातें मैं और ऑब्जर्व करना चाहता हूं उसमें, ठीक है। कितने कार्बन है इस इंटायर मॉलिक्यूल में, तो अगर आप देखो तो 6 इस रिंग में, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें 12 कार्बन होंगे टोटल, 12 कार्बन है सिस्टम में पूरे। अच्छा, ये 12 कार्बन आए होंगे जब ये रिएक्शन हुआ होगा किससे, पहले रिएक्शन हुआ होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, CH3, MgBr, फिर दूसरा हाइड्रोलिसिस, और तीसरा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट, ठीक है, ये किया होगा तब ये आया होगा। यानी जो पहला शुरुआत में सिस्टम रहा होगा उसमें 11 कार्बन तो रहे होंगे यार, क्या ये बातें मैं सोच सकता हूँ, 11 कार्बन रहे होंगे, क्यों, क्योंकि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आया होगा तो एक कार्बन बढ़ा होगा। हाइड्रोजन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक कार्बन बढ़ा होगा, यानी जो यहाँ पे पी होगा, जो अननोन पी होगा, उस पी की खास बात है उसमें 11 कार्बन है। तो जरा देखिए कुछ ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट होते हैं, तो 6 कार्बन रिंग में, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ इसमें 11 है, ये तो हो सकता है, 6 रिंग में 7, 8, 9, 10, 11, ये भी हो सकता है क्योंकि इसी का ये पोजीशन आइसोमर है। इसको अगर आप देखें तो इसमें 6 रिंग में 7, 8, 9, 10, ये नहीं होगा, ये हम बाय ऑब्जर्वेशन हटा दे रहे हैं। इसमें अगर देखें 6 रिंग में 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें 12 कार्बन है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप देखिए हमने अभी कोई रिएक्शन नहीं किया, केवल हमने ऑब्जर्व किया। अच्छा, ये यहां पे भी आप देख सकते हो कि यहां पे 12 कार्बन है, यहां पे भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट से वापस आके, यहां भी 12 कार्बन है तो शुरुआत में 11 होंगे, तो दो ऑप्शन हटा दिए। अच्छा, जब दो ऑप्शन हट गया कि हमारा आंसर नहीं, दो ऑप्शन आपके पास जाते कि भैया इन दोनों से कोई एक होगा। अच्छा, अब जब कोई यार तुक्के की बात करता तो मैं कहता हूं जब दो ऑप्शन हो तो आप अगर तुक्का मारना चाहते हो, गेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपने फेवरेट भगवान का नाम लो और कोई एक ऑप्शन पकड़ लो, क्योंकि अब यहां पे प्रोबेबिलिटीज की हाफ हो जाती है ना सही होने की। भैया अगर आपका भगवान आपके साथ रहा तो आपका सही आंसर सही तुक्का लग जाए, लेकिन अब किसी में के तीनों चारों के साथ तुक्का करना हो तो बकवास बात। फिलहाल दो ऑप्शन हटा दिया, अब दो ऑप्शन हमारे पास बचा, अभी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब जो कोई हरकत होगी वो सब यहीं पे तो होगी, जो कोई हरकत होगी वो कार्बोनिल पे तो होगी, ये भी बात समझ में आता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बोनिल से ही तो रिएक्शन करेगा। अच्छा, कार्बोनिल से रिएक्शन करेगा तो यहां पे अल्कोहल बनेगा, यहां भी अल्कोहल बनेगा, तो ओजोलिसिस करने के लिए जरा देखिएगा, ओजोलिसिस करने के लिए यही आपका बॉन्ड बचेगा, यही बॉन्ड बचेगा। अच्छा, जब यहां पे ओजोलिसिस करेंगे तो यहां पे CO आ जाएगा, अच्छा यहां पे CH3COCH3 यानी कीटोन आ जाएगा, जबकि वहां पे एल्डिहाइड है, तो भाई ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आई, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। ये मैं ऑब्जर्वेशन की बात करके मैंने सोच पाया कि दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, दूसरे वाले आंसर के साथ सारी हरकत कर लेते हैं, तो अब हमने आंसर कर दिया क्या, भाई ऑब्जर्वेशन, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन लगाया, अपने लॉजिक को यूज किया और हमने क्वेश्चन कर दिया, ये तो तरीका था सोचने का और अपने तरीके से। अब हम बात करते हैं सारे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जो हर रिएक्शन को कर करके करते हैं और उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होती है। चलिए इससे पहले मैं इसे कुछ हटाऊंगा, तभी आपको थोड़ा सा मैं अच्छे से बता पाऊंगा, स्पेस मुझे थोड़ा सा चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस दूसरे वाले के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता हूँ जो हमारा प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। अब इसके साथ एक एक स्टेप बढ़ते हैं, CH3MgBr यानी अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा माइनस और ये प्लस, और इसी प्लस पे जुड़ेगा। तो जब ये प्लस पे जुड़ेगा जरा देखिएगा क्या आएगा आपके पास, जो प्रोडक्ट कुछ ये से आएगा, यहाँ पे एक CH3 पहले से था, एक CH3 और आ जाएगा। अब ध्यान रखना मैं साथ में हाइड्रोलिसिस भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक मिथाइल ऑलरेडी था, तो ये आपका आया कब, जब आपने ग्रिगनार्ड एजेंट रिएक्शन करा दिया और हाइड्रोलिसिस करा दिया। अभी डिहाइड्रेशन का सीन बाकी है, कंसंट्रेट H2SO4 का सीन बाकी है, ये बहुत ही मजेदार स्टेप है, किसी बच्चे को समझ नहीं आता कि ये क्या है,
और वो गलती कर देता है, वो बहुत भयानक गलती करता है। एक्चुअली आईटी लेवल एडवांस लेवल की बातें इस स्टेप में हुई हैं। अब कंसंट्रेट H2SO4 में आपको पता है कि मैकेनिज्म क्या कहता है, H प्लस अटैक कराओ और वाटर निकालो। H प्लस अटैक करा के आपने वाटर जैसे ही निकाला, तैसे आपको क्या मिलेगा, एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और यही कार्बोकैटायन अब यार रिंग पे अटैक करता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां पे लगता नहीं तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है, लेकिन ये होता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब जब ये इस पे जुड़ जाता है तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, संभाल लीजिएगा। बस ये कार्बन इससे जुड़ा है तो जो कार्बन इससे जुड़ेगा उस पर दो दो मिथाइल आ जाएगा और बाकी ये पाई बॉन्ड यहाँ रहेगा और ये CH3 यहाँ पे। अब आप इसका ओजोनोसिस करा दीजिए इसी कंपाउंड का, ठीक है। इसका ओजोनोसिस करने का तरीका क्या बताया था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन एक दूसरी तरफ, एक ऑक्सीजन दूसरी तरफ, तो जरा देखिएगा प्रोडक्ट आपके पास क्या है, आपके पास प्रोडक्ट ही आएगा। यहां कार्बन है, कार्बन के साथ CH है, डबल बॉन्ड O आ गया। अच्छा, नीचे वाला ऐसे रहेगा, ये दो दो मिथाइल, यहां पे C है, डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। तो ये जो अब हमने किया, हमने सीक्वेंस में किया, अच्छी रिएक्शन का यूज हुआ है, आपकी अच्छी लेवल की जानकारी होगी तभी ये कर पाओगे आप। और आपके पास अगर दोनों बातें हैं, ऑब्जर्वेशन है, जानकारी है, तभी, ठीक है। आप देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सारी बातें हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, जेई मेंस जनवरी 2020 में पूछा गया, ठीक है। आराम से इसे सोचिए, आराम से करिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यार एक बार IIT एडवांस में आया था, कंप्रीहेंशन आया था, मैं उसे आपको कार्बोनिल कंपाउंड में कराऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। उसी का पहला ही पार्ट ये तोड़ के दे दिया है, ठीक है, मैं वहां पर कराऊंगा तो फिर से इसका जिक्र करूंगा, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, ठीक है, आराम से देख लीजिए, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। हाउ मेनी अमंग फॉलोइंग गिव्स प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, मतलब वही हाइड्रोलिसिस। कितने ऐसे इसमें सी है, इसमें कितने कंपाउंड है जो किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे। इंटीजर टाइप का आंसर है, अपने तरीके से इसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने ट्राई करना शुरू कर दिया होगा। इंटीजर टाइप के आंसर में आपको आंसर करना इसमें क्या आएगा, ठीक है। सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो आई होप कि आप बातें समझ पा रहे होंगे क्या एक्चुअली होने वाला है। तो मैं, अगर आपने ट्राई किया होगा, कुछ आंसर आपने प्रिडिक्ट किया होगा, चलिए मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। ऑक्सीजन है, ठीक है, सिंपल ऑक्सीजन है, तो ये तो भैया देगा ही देगा 1 डिग्री अल्कोहल, कोई डाउट इसमें तो है ही नहीं। ये क्या है, CH2O किसी को ये नया लगेगा कि ये क्या है, अरे भैया ये HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO, कार्बन एक है, एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देगा, रिएक्शन कराओगे तो ये 3 डिग्री अल्कोहल देगा, कैसे कराओगे आपको पता। ये क्या, ये भी सिंपल सा एक साइक्लिक ईथर है, तो कहीं पे भी अटैक कराओगे इस पे या इस पे, ओपन होके 1 डिग्री अल्कोहल ही देगा, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल देगा, आप करा के देख लो। ये भी 3 डिग्री अल्कोहल देगा, ये एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, कोई दूसरा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, इसका नाम तो पता है क्योंकि R नहीं है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल देगा, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल देगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल देगा अगर एक्सेस में यूज कर लोगे, अदरवाइज कीटोन देगा, ये कीटोन देगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो बाय ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया कि इसका जो आंसर आपके पास आने वाला है वो क्या आएगा, 3।
तीन ऐसे कंपाउंड हैं जो आपको प्राइमरी अल्कोहल देंगे ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। फिलहाल तो अब क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत है, ऐसा नहीं कि अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो मैं 19 और 20 के जो आए हुए क्वेश्चन मैं उसी को कराना चाह रहा था, और बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको अलग से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा या फिर आपके असाइनमेंट में आ जाएगा, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिलेटेड मैं कोई एक अलग से प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा, या फिर इसकी जो रिएक्शन होती है अल्कोहल में हम पढ़ देंगे, ठीक है। तो अल्कोहल जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तब भी वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो हर किसी में या तो अल्कोहल बन रहा है कार्बोनिल बन रहा है, तो ऐसा नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं और कैसे आते हैं वो भी मैंने जिक्र कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत कुछ नहीं करा रहा हूँ, इसे यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, फिलहाल मैं चाहूँ आपके हिसाब से तो कुछ रिएक्शन मैं लिख के छोड़ सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं एक दो तीन रिएक्शन दो चार रिएक्शन में सीक्वेंस छोड़ देता हूँ, या फिर एक लेंदी रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, जिसे आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आएगा फिर मेरे से पूछ लेंगे, नोट कीजिए इसे। तो फाइनली अभी तक का सबसे बड़ा पाथवे हमने आपको लिख दिया है, ठीक है, इसमें सारी निचोड़ है आपके पास। चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जाते जाते, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन क्या कहाँ पे है, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल दे दिया गया है कि ये आपके साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन एसिटोनाइट्राइल CH3CN से कराया गया, फिर हाइड्रोलिसिस कराया गया, कैपिटल ए कोई प्रोडक्ट बनेगा, फिर उस ए की रिएक्शन I2NaOH से कराया गया, बी बनेगा, बोल रहा है बी का प्रेसिपिटेट आता है, यानी बी जो है वो आइडोफॉर्म बनेगा, सी आपको पता होगा सी क्या बनता है, तो पहले ये ए बी सी बना रहा, फिर जो बी यहां बना है उसी बी को यहां पे कंसीडर करना है और सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराना है, डी बनेगा, और उस डी का रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करना है, ई बनेगा, ई को फिर CH3Cl AlCl3 से कराया गया है, एफ बनेगा, और इस एफ का NBS कराया गया, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड जी बनेगा, ठीक है, ये सीक्वेंस जी तक आएगा, फिर जी पे आप रुक जाना है, फिर सी, ये सी कौन है, जो ये सी आपका यहां बना है, उस सी को यहां लाया गया है, सी का पहले हाइड्रोलिसिस कराया गया है, फिर सोडा लाइम, इसे आपको पता है NaOH और सोडा लाइम के साथ हीट किया गया है, ठीक है, एच बन रहा है, फिर उस जो एच बनेगा उसका ब्रोमिनेशन कराया गया है, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट विल बी एक्स, बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट आएगा उसकी वैल्यू स्मॉल एक्स है, ठीक है, वो एक्स कोई भी इंटीजर आएगा, फिर ये जी कौन सा है, यही वाला जी है, इस जी को यहां लाया गया, Mg इथर के साथ रिएक्शन कराया गया, आई बन गया, आई को CH3CH2CN से रिएक्शन कराया गया, फिर हाइड्रोलिसिस किया गया, जे बन गया, जे का फिर ZnHgCl यानी क्लीमेंसन रिडक्शन कराया गया है, के बन गया है, और उस के का फिर से Br2 सनलाइट से रिएक्शन कराया गया, टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स विल बी स्मॉल y, स्मॉल y भी आपका एक इंटीजर होगा, आपको क्या बताना है, x प्लस y बताना है, फाइनली x प्लस y बताना है, लेकिन ये x प्लस y की वैल्यू बताने के लिए आपको सारे अननोन बनाने पड़ेंगे। अब इस अननोन में आपको सारी जानकारी हो, आपको हाइड्रोकार्बन की जानकारी हो, हेलो एल्कीन की जानकारी हो, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जानकारी हो, आइसोमर की जानकारी हो, अगर इन सब में कहीं भी आपके कॉन्सेप्ट डगमगाए तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, लेकिन मुस्कुराते रहना है हमेशा, क्वेश्चन नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे पोर्टल पे डाल देंगे, मैं उसे सलूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन हाँ ट्राई हार्डर, बहुत प्रयास करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। तो फाइनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोगों ने पैकअप कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे, अभी तक शायद वहां तक पहुंचे नहीं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अभी तक नहीं आना शुरू हुए, डाउट्स नहीं आ रहे हैं आपके, तो आप प्रॉपर ट्राई करते रहिएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो भी डाउट आए आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में अगले चैप्टर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्कोहल फिनॉल ईथर, ओके। लेकिन हाँ, वो चैप्टर शुरू करने से पहले आप ये सब कवर कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि कनेक्टिविटी आपकी ब्रेक ना हो, ओके। और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।